बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक अल्ताफ़। आप लोगों से गुजारिश है कि मैं आज जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है, आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने मेरी पिछली वीडियोस बहुत पसंद की हैं, वो मेरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे थी। मैं चलाता जाऊंगा काम, तो आगे मैंने आपको PMX पे भी, मैंने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे भी मैंने दो छोटी छोटी वीडियो बनानी हैं। पहले आज तो मैं सिर्फ आपको तारुफ करवा दूंगा कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या है। ये गवर्नमेंट का वो इदारा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, जो लोग सोना, चांदी, इसके अलावा ऑयल, करेंसी और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शामिल की हैं। माशाल्लाह इस पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है ना, वो 2004 में गालबन बनी है, 2002 में ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इन्होंने बनाई थी पाकिस्तान कम्युनिटीज़ के नाम से, जो बाद में शुरू में इसका नाम रखा था। 2007 में ये ऑपरेशनल हो गई थी, तो 2007 में इसने बकायदा अपना ऑपरेशन शुरू किया था। उस वक्त तो खैर दो चार चीज़ें मामूली सी लेके इन्होंने गोल्ड था, सिल्वर थी, ऑयल था, यानी इन चीज़ों को लेकर इन्होंने ये काम शुरू किया था। तो 2010 में जब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बैठ गई थी, हम उसके यहाँ पर मुल्तान में ब्रोकर थे, तो उस वक्त मैंने जब ये आने लगी तो इस पर एक मुकम्मल किताबचा लिखा था, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे। तो ये छोटा सा किताबचा था जिसमें मैंने इसका तारुफ करवाया था, फिर बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं बताता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये उसमें मैंने तकरीबन तमाम चीज़ें बताई थी कि ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या है। तो मेरे आजकल कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि फिर वही मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों ने और कोई काम नहीं करना, सिर्फ फ्रॉड ही करना है। यानी एक चीज़ को हम अभी सोच रहे होते हैं तो वो उससे पहले फिर वही दरमियान में आ जाती है। कुछ लोग पाकिस्तान, स्पेशली जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं हैं, क्योंकि इनके वहाँ पे ऑफिस भी हैं, लोगों को पता भी है थोड़ा बहुत, और स्पेशली लाहौर, मुल्तान हो गया, डेरा गाजी खां हो गया, सरगोधा हो गया, फैसलाबाद हो गया, पिशावर है, क्वेटा है, ये शहर ज़रा बाहर हैं और वहाँ अवेयरनेस भी कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रॉड करना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। आप किसी भी प्लाजे में चले जाएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बंदा नहीं बैठा होगा तो ये करेंसी वाले बैठे होंगे, कोई क्रिप्टो करेंसी में करवा रहा है, कोई जनाब आपको कोई सब्जबाग दिखाएगा, कोई दूसरा सब्जबाग दिखाएगा, जिससे आप पैसे जमा करवा लेते हैं, पैसे वो अपने पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। आपको आजकल इतनी ऐप्स आ गई हैं, वो आपको ऐप्स दे देते हैं और जनाब आप खुश होते हैं कि जनाब मेरे ऐप में पैसे भी नज़र आ रहे हैं और रोज़ाना का प्रॉफिट भी आ रहा है। तो उसके बाद होता ये है कि वो साहब जिन्होंने, अभी दोस्त ने बताया है कि उनके पैसे ले, जिस बंदे को उसने पैसे जमा कराए थे, वो खैर से दुबई फरार हो गया। और मैं आपको बता दूँ कि मुल्तान में 3-4 जगह पर, इससे भी मैं भी ज़्यादा 4-5 अफराद को मैं जानता हूँ जिन्होंने लोगों से पैसे लिए, फ़िक्स पैसे देने शुरू किए और फिर पैसे लेके फ़रार हो गए। मैं चूँकि अब किसी ब्रोकर के पास काम नहीं कर रहा, ना ही मैं अपना ज़ाती तो कर रहा हूँ, किसी ब्रोकर का नहीं कर रहा। मेरा ये वीडियो बनाने का मता जो है वो सिर्फ इतना है कि वो लोग जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, दो अलग अलग हैं। वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो शेयर्स की है, पाकिस्तान मर्केंटाइल ये कमोडिटीज़ की है, जिसमें कमोडिटीज़ भी शामिल है और बहुत सारी चीज़ें और शामिल हैं। मैं वीडियो इसके एंड पे एक थोड़ा सा पोर्शन और भी शामिल कर दूंगा,
कि वो लोग जो काम इस मेरे हमारे साथ कर रहे हैं वो देखें। बहरहाल जी, पाकिस्तान में जो स्टॉक अपना पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज बनी है आजकल वो फुल फंक्शनल है। उसके 228 TREC यानी ट्रेडिंग राइट इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट्स होल्डर हैं, 228, जिसमें से 76 या 100 के करीब इस वक्त फंक्शनल हैं, वो साथ काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने अपनी ब्रांचेस जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में बनाई हुई हैं, जिनमें छोटे बड़े शहर भी शामिल हैं। अब आपको ये ढूंढना है कि बंदा जो है जो ट्रेडिंग करवा रहा है या जो हमारे जिसके पास हम अपने पैसे देंगे क्या वो महफूज है या नहीं, कैसे देखना है। आपने वेबसाइट पे जाना है pmex.com.pk, ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की वेबसाइट है। ये हुकूमत पाकिस्तान SECP से जो इसकी मॉनिटरिंग करता है वो SECP करता है। और जो आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे ये बरह रास्त ये पैसे जो है ना पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो फिर भी ब्रोकर के थ्रू आप लेते हैं या उनके पास पड़े होते हैं, मगर PMX ने टोटल पैसा अपने पास रखा हुआ है जिसकी मॉनिटरिंग SECP करता है। यानी आप ब्रोकर के थ्रू अकाउंट तो खुलवाएंगे मगर जो आप पैसे भेजेंगे वो ब्रोकर आपके उस पर ट्रांसफ़र कर देगा। और आपको आपका जब अकाउंट ओपन होता है वो भी मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपको पासवर्ड बरह रास्त PMX देता है, PMX ने अपने नंबर दिए हुए हैं, यानी आपको जो ब्रोकर अकाउंट नंबर देगा वो आप अपना PMX के से वो आपको पासवर्ड आ जाएगा, आप उस पर बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। इन्होंने कोई 3-4 डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर पर भी आप कर सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल पे भी कर सकते हैं, मेटा स्टॉक है उसमें भी कर सकते हैं। माशाल्लाह इन्होंने ना अच्छी खासी ब्रांड्स समझे मुतारिफ करवा दिए हैं जिस पे आप बैठे हुए ट्रेड कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि इसमें दो टाइप के ब्रोकर जो है ना वो PMX ने रजिस्टर्ड किए हैं। एक तो वो लोग हैं जो फ्यूचर में काम करवा रहे हैं, और एक वो हैं जो इंटरनेशनल भी करवा रहे हैं और उसमें भी करवा रहे हैं। तो इन लोगों ने सर्टिफिकेट लेने के बावजूद भी आप जिस बंदे के जिस ब्रांच पे जाएं, ये मैंने आपको बता दिया कि आप ये वेबसाइट खोलें उस पे चले जाएं। अगली वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अकाउंट कैसे खुलेगा या आप किस किस चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा जो टाइमिंग है। तो आप PMX की वेबसाइट पे जाएं, उसके बाद आप ब्रोकर का वो लिस्ट देखें, बल्कि उन्होंने तो आजकल इस पे जो ट्रेड हो रहा है तो आप उसकी मार्केट वॉच पे क्लिक करें, तो उसमें वो पहले जो है ना अपनी उनकी जो प्रोडक्ट हैं वो आ जाएंगी। आप उनकी लिस्ट भी देख सकते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद आगे भी काफ़ी सारी लिस्ट उनकी आ जाती है जिसमें ट्रेडिंग हो रही है। और आप जितनी ट्रेडिंग हो जो होती है PMX में वो उसकी टाइमिंग भी इनकी ना काफ़ी लंबी होती है, आप फुल टाइम नहीं बैठ सकते, मगर छोटी मोटी ट्रेडिंग जो है ना इसमें कर दें और अपने हाथ में पैसे जब आप चाहें वापस लें, अपना सौदा बेचें, या आपके पैसे बढ़ गए हैं कम हो गए हैं आप जिस वक्त चाहें, ये आपको दूसरे दिन क्लियरिंग लगा देते हैं। इनका पैसे के लेन देन के मामले में कोई मसला नहीं है, इसमें आपका ब्रोकर जो है ना वो आपके पैसे किसी और को भी नहीं दे सकता और ना ही वो खा सकता है। तो इसलिए आप बेफिक्र होके इसमें अकाउंट खुलवाएं। इन्होंने दो टाइप के ब्रोकर हैं इनके पास, एक स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्पेसिफिक कमोडिटीज़ है उसमें फ्यूचर में ट्रेडिंग करवा रहे हैं, एक वो है जो इंटरनेशनल भी आपको करवा रहे हैं। मगर हमारी ये PMX की साइट है जो आपको रेट मिलेंगे ट्रेडिंग के, यो अपना आप गोल्ड में करें, सिल्वर में करें, प्लैटिनम में करें, उसके अलावा ये करेंसी में करवा रहे हैं, ऑयल में करवा रहे हैं, कॉटन में करवा रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के जो इंडेक्स हैं उनकी ट्रेडिंग भी ये लोग करवा रहे हैं। और ये इंडेक्स आप वर्ल्ड वाइड जो आ रहे होते हैं दुनिया में
उसके साथ भी ये आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और माशाल्लाह अब जो पाकिस्तान में इतना अच्छा सिस्टम हो गया है कि आपको किसी जगह बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जो लोग आपको कहते हैं कि आप हमें पैसे दे दें, हम आपको सॉफ्टवेयर में पैसे डलवा देते हैं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। आपको बाकायदा जिस भी ब्रोकर पे जाएंगे, ये जो मैंने लिस्ट दी है आपको कि 40 दफ्तर ब्रांचेस इन्होंने बाहर के शहरों में ब्रोकर्स ने खोली हुई हैं, उनकी वेबसाइट पे जाएं, आप इनकी साइट पे जाएं, वो TREC की लिस्ट है वो निकालें, जो इन्होंने दूसरे स्पेसिफिक ब्रोकर की भी कोई 76 के करीब ब्रोकर हैं उनकी भी लिस्ट दी हुई है, उन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है, उस पर जाएँ, आप इनको तलाश करें। ये आपको फ़ोन नंबर इन्होंने दिए हुए हैं, PMX ने बाकायदा हर ब्रांच का फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है कि ये फ़ोन नंबर हैं, ये मैनेजर है, आप उनसे बात करें। जब आप वहाँ जाएं तो अपना अकाउंट उन्हें कहें जी मैंने अकाउंट खुलवाना है, आप डर खौफ बगला डर खौफ के आप 25-50 हज़ार का उनको चेक दे दें, क्रॉस चेक दें, वो जिस कंपनी का कह रहा है जी तो उसमें वो क्रेडिट होने चाहिए, वो भेज देगा, 2-3 दिनों में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो आपको PMX से मैसेज भी आ जाएगा, बल्कि वो जो आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग का वो होता है सॉफ्टवेयर अपना पासवर्ड, वो भी आपको बरह रास्त आपके ईमेल में भेज देंगे। अब आपके लिए इतना आसान कर दिया है कि आप यहाँ उनकी 40 ब्रांचेज़ हैं लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में जो है ना इनके अपना ऑफिस है, आप उनको विज़िट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, विज़िट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इनको फ़ोन कर लें कि जनाब आपकी लाहौर में, बल्कि ये 40 जो ब्रांचें हैं ये पूछ लें कि मुल्तान में, डेरा गाजी खां में, फैसलाबाद में, चन्नू में, फलां जगह, जो भी छोटे मोटे शहर हैं जहाँ जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, आप उनके ऑफिस में जाएँ। फिर मैं आपको कह रहा हूँ पैसा इनको मत दें, उसमें आपकी बचत है, आपके पैसे हैं, आप 50,000 लाख से अकाउंट ओपन करवा लें, जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है फिर आप मज़ीद पैसे भिजवा दें, जब उसमें आपका जो सॉफ्टवेयर ये देंगे या जो इनका आप टर्मिनल वगैरह जिसको जिसमें सॉफ्टवेयर भी चलाते हैं तो उसमें आपकी पेमेंट नज़र आती है। बल्कि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन, बड़ी ट्रांजेक्शन सिखाने के लिए तो मैं आपको एक और सेशन दूँगा, मगर मेरा फ़िलहाल मता नज़र ये है कि आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जाएं तो अपना अकाउंट प्रॉपर उसमें ब्रांच में ही खुलवाएं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं जनाब, आप किसी भी जगह जाते हैं, बल्कि उन्होंने तो अपने जेली सॉफ्टवेयर तक इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, बड़ी ब्लिंक होती है, पर जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है, मगर ज़बरदस्त काम यही होता है कि फिक्टिशियस वो लोग इन ऐप्स को चला रहे हैं, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, फॉर यू एक आया हुआ था उन्होंने भी किया है, यहाँ मुल्तान में 3-4 कोई क्रिप्टो करेंसी में करवा रहा है, कोई किसी चीज़ में करवा रहा है, बल्कि हर प्लाजे में आप जाएंगे वहाँ लोग बैठे हुए यही ड्रामा कर रहे हैं। तो मेरा आपसे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे भाई, अगर आपने इसमें काम करना है आप अपना प्रॉपर अकाउंट खुलवाएँ, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में खुलवाएं, ब्रांचेस दी हुई हैं, इनकी वेबसाइट पे वो आप विज़िट करें। तो मैं अगला जो प्रोग्राम है या इससे आखिरी वो थोड़ा सा आता है तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि बोलता रहूँ और आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ कि ये कैसे करते हैं। आप लोग मेहरबानी कीजिए, जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं मैं उनसे भी आपको मिलवा रहा हूं, जिन लोगों ने किए हैं या जिन्होंने अपनी जमा पूंजी गंवा दी है उन दोस्तों से भी मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोगों ने जो गलती हो गई सो हो गई, अब आप प्रॉपर मेम्बर ढूँढें, इनकी वेबसाइट मैंने बता दिया उस पर चले जाएँ, वहाँ उन्होंने लिस्ट दी हुई है, लिस्ट के मुताबिक आप उनके ऑफिस देख लें, ऑफिस हैं, ब्रांचेज हैं, तो वहाँ जाएं मेरा भाई, प्रॉपर अकाउंट खुलाएं और सब कुछ आपको नज़र आएगा, आपके सामने होगा, आपके हाथ में, आपके अपने हाथ में होगा, जिसमें आपने पैसे मंगाने हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट उसमें कर सकते हैं। अगर आप ये कंप्यूटर नहीं जानते, मोबाइल आजकल एंड्रॉयड आए हुए हैं, मोबाइल पे आप ऐप ले सकते हैं, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आपका भाई हाजिर है,
मैं आपको न सिर्फ ये अकाउंट तो आप अपनी मर्ज़ी से खोलेंगे जिस भी ब्रोकर के पास, मैं सिर्फ आपको ट्रेनिंग दे दूंगा कि आप मेरे पास आ जाएं। मैं आपको आगे अगले व्लॉग में बता भी रहा हूं कि जनाब ये लोगों ने आपके साथ क्या किया हुआ है। बहरहाल आज इतना ही काफ़ी है, मेहरबानी करें मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइंदा अगले व्लॉग तक शुक्रिया।